हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर पे। तो देखिए, आज मेरे पास रेडमी का नोट 10 फ़ोन आया है और ये फ़ोन बंद है, चालू नहीं होता है। तो रेडमी का नोट 10, नोट 10S, बहुत सारा मॉडल में ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये ऑटोमेटिक पबजी गेम वगैरह खेलते हुए या कुछ भी करते हुए बंद हो जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, चलिए आप लोगों को आज हम इसको रिपेयर करके दिखाएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग। तो देखिए, रेडमी नोट 10S का सबका लमसम CPU से ही प्रॉब्लम आता है। चलिए इसको अपना मेन स्टैंड पर ले चलते हैं और आप लोगों को इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके हम दिखाएंगे। और इसका मदरबोर्ड खोल लेते हैं और खोल के आप लोगों को हम डायरेक्ट बोर्ड पे ही लेके काम करके दिखाते हैं। तो देखिए, हमने इसका मदरबोर्ड निकाल के हम खोल लिया है और CPU इसमें कुल कम 7150 लगा हुआ है। देख सकते हैं, SM 7150 इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और इससे यहीं से प्रॉब्लम आता है। किसी भी फ़ोन में रेडमी का फ़ोन आ रहा है, डेड हो रहा है, तो ज़्यादातर इसका प्रोसेसर जो देख रहे हैं ये कुलकॉम का SM7150 है, इसी से प्रॉब्लम आता है। तो ये आप लोगों को आज हम पूरा रिपेयर करके दिखाएंगे और चालू करके भी दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। और प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोग नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। हम आप लोगों को मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का वीडियो देते रहेंगे और ऐसे ही मोबाइल जो भी डेड फोन आता है सबका रिपेयर करके आप लोगों को दिखाते रहेंगे क्या प्रॉब्लम आता है और क्या सोल्यूशन आता है। मैं बहुत सारा वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो देखिए, इसको हम अब जो कुलकम स्नैपड्रैगन है इसको CPU निकाल लेंगे बाहर आराम आराम से। देखिए, हीट हमको 350 के आसपास रखना है और एयर भी 300 के आसपास रखना है और आराम से हम CPU को निकालेंगे। देख सकते हैं, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से मेरे बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ये जल्दबाजी करने पर हमारा प्रिंट चला जाएगा तो फिर कोई काम नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं। देखिए, बिल्कुल आराम से ये छोड़ दिया है, CPU मेरा निकल गया, देख सकते हैं। और चलिए, आप लोगों को इसका क्लीन करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, सारा कुछ हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं और फोन को चालू करके भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर जाएँ। तो देखिए, इसमें हम आपको CPU निकाल दिए हैं और CPU निकालने के बाद आराम आराम से इसको हम साफ कर लेंगे। इसमें जो ब्लैक पेस्टेड IC होता है तो ब्लैक पेस्टेड IC को हम साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करने के बाद देखिए, आप लोगों को CPU का भी हम पूरा जो पेस्टर देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है वो भी क्लीन करके दिखाएंगे, रिवॉल्विंग भी करके दिखाएंगे और फिर से हम CPU फिक्स करके दिखाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए, हम इसको क्लीन कर लेते हैं, पहले पेस्ट निकाल लेते हैं। पेस्ट निकालने के बाद हम डिसोल्डिंग वायर से डिसोल्ड करेंगे। पहले जितने भी पेस्ट होते हैं इस पर, बहुत सारे ब्लैक पेस्ट होते हैं, सारे पेस्ट हम आराम आराम से निकाल लेते हैं और बहुत ही सावधानी से करना है दोस्तों इसको, क्योंकि इसका प्रिंट डैमेज हो जाएगा तो फिर CPU का है। कोई भी प्रिंट डैमेज होगा तो बहुत सारा समस्या आएगा। इसमें प्रॉब्लम आया था पहले, क्या था, कैमरा बंद हुआ, कैमरा बंद होते हुए मोबाइल दोनों, पहले बैक फ्रंट कैमरा भी इसका नहीं ऑन हो रहा था। तो ये सब लमसम CPU का ही प्रॉब्लम आता है। अगर आपके मोबाइल में CPU कैमरा वगैरह नहीं काम करता है तो CPU से ही प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें कैमरा वगैरह भी सॉल्व करके दिखाएंगे तो कैमरा का क्या प्रॉब्लम होता है। चलिए, हम इसका प्रिंट साफ़ कर लिए हैं, बोर्ड का पेस्ट और CPU का पेस्ट आप लोगों को हम क्लीन करके दिखाते हैं। देखिए, अब CPU का मेरा क्लीन हो रहा है। अब इसको हम आराम आराम से अच्छे आयरन से, क्योंकि तो ये जब भी आप काम करते हैं अगर अच्छा आयरन नहीं होगा तो CPU ख़राब कर देगा। बिल्कुल अच्छे आयरन से ही इसे करना चाहिए। अगर आप लोग नए सीख रहे हैं तो देखिए, बहुत सॉफ्ट तरीका से आराम आराम से हम ये पेस्ट सारे निकाल लेंगे, सारा पेस्ट हम आराम आराम से निकाल लेंगे। ज़्यादा ज़बरदस्ती करके नहीं निकालना है, बिल्कुल आराम आराम से मेरा पेस्ट सारा निकल जाता है। अगर ज़्यादा आप दबाव देकर कीजिएगा तो प्रिंट भी ख़राब हो जाएगा CPU का। तो देख सकते हैं आप लोगों, आराम बिल्कुल आराम आराम से इसका पेस्ट कैसे निकल जा रहा है। ठीक है, ब्लैक पेस्टर निकालना CPU से कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से। हमको भी शुरू में बहुत परेशानी होता था, हमने भी कई CPU ख़राब किए हैं, लेकिन अब दोस्तों नहीं होता है। तो नए नए में जो भी लड़का सीखते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, तो उनको बहुत सारा परेशानी होता है ये सब करने में। अगर ये आप लोग जानकारी रहेगा तो आराम से कर सकते हैं। देख सकते हैं, हम बिल्कुल आराम से क्लीन कर लिए हैं, पूरा CPU का पेस्ट उतार दिए हैं। अब इसको हम रिवॉल्व करेंगे और इसको सबसे पहले हम बॉल अब हाईलाइट कर लेते हैं। इसके अंदर जो बॉल होते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, नहीं होने के कारण होता है। और देखिए, इसमें हम
बॉल सबसे पहले जितने भी मेरा अनहाइलाइटेड है दिख सकते हैं ना, बहुत सारा बॉल मेरा दिख रहा है, हाईलाइट दिख रहा है, बहुत सारा अनहाइड है, उसको हम सारा को हाईलाइटेड कर लेंगे, सबको हाईलाइट कर लेंगे, हल्का पीपीडी डाल के, पेस्ट डाल के पूरा आयरन से घुमा देंगे, तो मेरा पूरा एकदम हाईलाइट हो जाएंगे सारे बॉल, देख सकते हैं सारा बॉल मेरा हाईलाइट होते जा रहा है। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारा सीपीयू या कोई भी आईसी पे बॉल हाईलाइट करने उनसे नहीं हो पाता, देख सकते हैं मेरा सारा बॉल हाईलाइट हो गया, देख सकते हैं सारा बॉल चमकने लगा। चलिए अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, अब इसको हम स्टेंसिल पे लगा के और पीपीडी पेस्ट लेंगे और इसे रिवॉल्व करेंगे। देखिए हम पीपीडी पेस्ट यूज़ करते हैं दोस्तों, रिलीफ या मैकेनिक का, बहुत ही अच्छा पेस्ट आता है। और देखिए पीपीडी हमने लगा लिया है, पीपीडी लगाने के बाद इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने का रिवॉल्विंग करेंगे, इसमें हमको 350 तक एयर रखना है और हीट भी 350 तक रखना है। देखिए एकदम से इजीली से हमने इसका रिवॉल्व कर लिया, रिवॉल्व करने देखिए मेरा पूरा बॉल एकदम अच्छे से तैयार हो गया, सीपीयू हमने एकदम अच्छे से तैयार कर लिया, एक भी बॉल मेरा मिस नहीं है, बिल्कुल मस्त तरीके से मेरा सीपीयू तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे, हल्का सा पेस्ट डाल के स्ट्रेट कर लेंगे, उसके बाद देखिए हम अब इसको मदरबोर्ड में फिक्स करेंगे। मदरबोर्ड में फिक्स करने से पहले हम इसको मदरबोर्ड को अच्छी तरह एक बार और क्लीन कर लेंगे और डिसोल्ड कर लेंगे, तो सारा बॉल मेरा जो होता है यहाँ का प्लेन हो जाए। पूरा प्लेन होने के बाद थोड़ा भी अगर आपका यहाँ एक भी अगर प्लेन नहीं होगा या फिर एक भी बॉल यहाँ का ऊपर नीचे होगा, पैड्स ऊपर नीचे होगा, तो आपका सीपीयू ढंग से नहीं बैठेगा, तो काम नहीं करेगा, फ़ोन नहीं ऑन होगा। सीपीयू बैठाने लगाने के लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाया जाता है, तभी सीपीयू काम करते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन कितना सीपीयू लगा के थक जाते हैं बट उनका फ़ोन ऑन नहीं होता है। तो चलिए आप लोगों को हम दिखाएंगे इसमें मेरा फ़ोन ऑन होता है या नहीं, पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। तो देखिए सीपीयू हमने क्लीन तो कर ही लिया था और पूरा आप लोगों को हम दिखाई दिए थे इसका बॉल बना के, अब इसको हमको करना क्या है, अब इस पर हम फिक्स कर देंगे। देखिए अब हम इसको सीपीयू को दोबारा बोर्ड में, मदर बोर्ड में लगा देंगे, देख सकते हैं हम हल्का हल्का पेस्ट लगा दिए हैं उस पर, ताकि मेरा सीपीयू एक बार वहाँ बैठ जाए तो हिले ना, हिल जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें आराम से कैसे सीपीयू फिक्स करेंगे और सही लोकेशन लगाएंगे। सीपीयू लगाने का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को हम दिखा देते हैं, सीपीयू लगाना कोई बड़ी बात नहीं, बस आपका हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आप लोगों को हम ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का। और देखिए आप लोगों को हम इसका फिक्स करके दिखा देते हैं, तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। चलिए अब सीपीयू हम इसमें लगाते हैं और सही लोकेशन इसका हम लगा बैठा देंगे बिल्कुल, ये देख सकते हैं मदरबोर्ड में यहाँ लोकेशन दिया होता है दोस्तों, अगर बराबर लोकेशन पे नहीं बैठेगा तो सीपीयू सही से नहीं लगेगा और सही ढंग से नहीं होगा तो फ़ोन मेरा नहीं ऑन हो पाएगा। चलिए अब इसका टेम्परेचर हीट पहले थोड़ा हमें रखना है 250 के आसपास, एयर भी बहुत कम रखना है ताकि मेरा सीपीयू कहीं पे थोड़ा सा आराम से सेट हो जाए, उसके बाद हम हीट एयर बराबर देंगे इसको। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा देख लीजिए आप, हम आराम से हीट दे रहे हैं और हल्के हल्के हीट देना है, अभी ज़्यादा हीट नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा हीट करना है हमें। और सीपीयू जब पूरा सेट हो जाएगा तो हम इसे पेस्ट दे के आराम से अच्छे से हीट करके और पूरा एकदम बैठा लेंगे इसको। तो देखिए अब पेस्ट डाल दिया हमने और पेस्ट डालने के बाद अब एयर हमें 350 के आसपास रखना है, 330 के आसपास, और एयर सॉरी दोस्तों हीट 350 के आसपास और एयर 300 के आसपास रखना है। और देखिए आराम से हम इसे चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से घुमाएंगे, चारों तरफ, एक साइड नहीं घुमाना है, चारों तरफ हमें बहुत अच्छे अच्छे तरफ से घुमाना है और कहीं भी जो मेरा बॉल ना छूटे पूरे अच्छे तरीके से सीपीयू पे चारों तरफ से घुमाना है। और हल्का चिमटी से हम इसको हिला देंगे तो अपने जगह पे सेट हो जाएगा सारा, देख सकते हैं इसका सीपीयू हम कितने आसान तरीका से लगा दिए हैं, अब मेरा सीपीयू फिट हो गया है, देख सकते हैं मेरा सीपीयू बिल्कुल लग गया है। अब थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद आप लोगों को चालू करके दिखाते हैं। चलिए अब मैं अपना दूसरा स्टैंड पे फ़ोन को लगा लेता हूँ,
और देखिए इसमें हम सीपीयू लगा दिए, और सीपीयू लगाने के बाद अब आप लोगों को इसको चालू करके दिखाते हैं मेरा फ़ोन चालू हुआ कि नहीं। तो आप लोग ज़रूर अब पूरा वीडियो देख कर ही जाएँ, और प्लीज़ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों के समय देते रहेंगे। तो देखिए अब इसको हम फिट कर लेते हैं ना, अभी आप लोगों को पहले चेक करा देते हैं, चेक कर लेते हैं इसका मेरा चालू, उसके बाद हम इसको कसेंगे जो। तो देखिए चार्जिंग में लगाते हैं, तो देखिए चार्जिंग में मेरा MI लोगो आ गया है, देखिए चार्जिंग में मेरा पकड़ लिया है, मतलब फ़ोन मेरा चालू हुआ। अब देखिए इसको हम चालू करके देखते हैं, तो फिलहाल बोर्ड कसें तो उसको चिमटी से ही ऑन कर लेंगे या किसी चीज़ से ऑन कर लेंगे। तो चालू कर देख के देखते हैं ये फ़ोन चालू हो रहा है पूरा या नहीं, क्योंकि चार्जिंग तो पकड़ लिया है दोस्तों। तो चार्जिंग अगर पकड़ लिया है तो चालू भी बहुत जल्द हो ही जाएगा। तो देखिए इसको हम चालू भी कर दिए हैं, और देखिए MI लिख दिया है। तो देखिए तो आप लोगों को हम MI Note 10 का आप लोगों को हम दिखाया, MI Note 10 का जो भी मॉडल आता है डेड। तो देखिए MI Note 10 कैसे डेड फ़ोन बनाया जाता है आप लोगों को पूरा हमने दिखाया। तो प्लीज़ देखिए मेरा फ़ोन चालू भी हो गया है और बिल्कुल एकदम कस्टमर का डाटा सेफ भी है, एक भी डाटा भी नहीं हो रहा और चालू पूरा फ़ोन हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों को हमने नोट 10 का डेड फ़ोन रिपेयर करके दिखाया, और CPU कैसे रिपेयर करते हैं वो आप लोगों को हमने दिखाया। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को।